मुंबई साइन कोलीवाड़ा स्थित एंटॉप हिल के तेज तर्रार नगर सेवक सुफियान नियाज वनू के प्रयास से राजीव गांधी नगर की सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है। इस कार्य का शुभारंभ स्थानीय लोगों ने नारियल तोड़कर किया। सभी ने नगर सेवक सुफियान वानू के कार्यों की खूब तारीफ की। आज यहाँ पे जो है नाले का उद्घाटन हुआ है, पोल्स का उद्घाटन हुआ है। ये राजीव गांधी नगर का इलाका है। ये राजीव गांधी नगर का इलाका काफ़ी पुराना इलाका है। यहाँ पर 2018 में हम लोगों ने बड़ा बॉक्स ड्रेन डाला है अंडरग्राउंड। बरसात में यहाँ पर लो लाइन एरिया होने की वजह से पानी भरता था, तो बड़ा बॉक्स ड्रेन, इतना बड़ा बॉक्स ड्रेन डाला है कि दो आदमी उसके अंदर चल के दौड़ के जा सकते हैं। फिर उसके बाद रोड बना। अब इस रोड पे उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से सारी चीज़ें प्रक्रिया आगे पीछे कहीं ना कहीं हो गई। तो रोड के बाद में यहाँ पे लाइट के पोल भी लगने थे, तो किसी वजह से टेक्निकल वजूहत की वजह से कि BST की आर्थिक स्थिति क्या है आप लोग जानते हैं, तो थोड़ा लेट हो गया। तो खैर अभी यहाँ पे 8 लाइट के पोल मंजूर हुए हैं जिसका उद्घाटन हमने किया है। ये ट्रांजिट कैंप का एरिया है। बेसिकली एरिया महाडा के अंडर में आता है, लेकिन स्पेशल उसकी परमिशन लेकर महाडा के जो ट्रांजिट कैंप में जो लोग रहते हैं उनको जो मूलभूत सुविधा है, जो पैथवेज है, ड्रेनेज लाइन है, ये सब बनाकर यहाँ पर दी जा रही है। बहुत सारे पैथवेज हमने बना के भी दिए हैं, कुछ बाकी रह गए थे उसके काम हमने आज शुरू किए हैं। और ये एक रोड, मैं अपने आप को इसमें बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगा कि पिछले 5 सालों में सिर्फ एक चिंदी गली का रोड रह गया है जो अगले हफ्ते हम उद्घाटन कर रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी 100% रोड हमने पिछले 5 सालों में बनाए हैं। वार्ड का कोई रोड ऐसा नहीं बचा है जो पिछले 5 सालों में नहीं बना हो। 70% रोड उसमें CC हुए, कंक्रीट हुए, बाकी 30% एस्फाल्ट के, डामर के रोड बने हैं। तो 100% अभी चिंदी गली का जब उद्घाटन हो जाएगा, अगले हफ्ते काम शुरू हो जाएगा, तो 100% रोड पूरे 5 सालों में इस वार्ड के दोबारा उसका निर्माण पुनर्निर्माण हुआ है। एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।